on a mission to build the world's largest agri-tech platform. Dehat, one of the best. और भविष्य जो है देहात का है और देहात एक दिन सबसे आगे जाएगा, सबको पीछे छोड़ के. Currently working with 168,000 farmers, created a large, sustainable, exclusive franchise network for last mile delivery of 302 individuals, partnered with 150 plus agri businesses, and growing annually at the rate of 3.5x. पटना वो शहर जहाँ से पहला एग्रीटेक यूनिकॉर्न बन के आ सकता है और इसको आने में लगभग 10 साल बीत चुके हैं. 2012 में ये लॉन्च हुआ था और हम सही मायनों में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने बिल्ड किया है अपना प्रॉफिट और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ और एक अच्छे ढंग से ये एक सिस्टमेटिक वे में आगे चलता ही गया और एक एग रेवोल्यूशन ले आया है ये एग्रीकल्चर के अंदर. और अब बात कर रहा है 100 मिलियन डॉलर फंडिंग की और जैसे ही मिल जाएगी ये बन जाएगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप. लेकिन मजे की बात है कि अब ये स्टार्टअप रह नहीं गया, ये एक अच्छा सोचा समझा सुलझा हुआ एक बिजनेस बन चुका है जो ना केवल 10 सालों से तो है ही बल्कि कोविड टाइम्स में भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाले स्टार्टअप में से ये एक था और ये इनके स्टैट्स में भी दिखता है. और टेक कंपनीज जहाँ कोविड का पीरियड सर्वाइव कर रही थी वहीं ये 186% की ग्रोथ से आगे बढ़ता जा रहा था. 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ, उस फाइनेंशियल ईयर इनका रेवेन्यू जंप किया था 358.2 करोड़ तक जो कि उससे पहले 125.1 करोड़ था फिस्कल ईयर 2020 में, जहाँ पर इनका पहला लॉस अगर हम बात करें तो 54.1 करोड़ तक रहता था जो 3 गुना से भी ज्यादा कम हुआ और 18 करोड़ का अब सिर्फ लॉस बचा है इनका प्रीवियस ईयर की हम मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं ये स्टार्टअप ना केवल यूनिकॉर्न भी बनेगा बल्कि जल्द ही नायका के नक्शे कदम पे भी जा सकता है जैसे उन्होंने की. और इतने से में कहां इनका पेट भरता है यार, 10 साल बहुत होते हैं एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने के लिए जहां हम देख रहे हैं कि एक साल में ही बन जाते हैं तो इनको इतना टाइम क्यों लगा. ऑब्वियसली एग्री टेक की अगर हम बात करें तो एक एग्रीकल्चर का पूरा आपको स्क्रैच से चालू करना पड़ता है, यहाँ तक कि लोगों को समझाना भी पड़ता है, ये एक मिशन की तरह होता है और उसके लिए इन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस भी करी, लगभग 4 एक्विजिशन करी इन्होंने एक साल के अंदर क्योंकि इंडिया का जो एग्रीटेक मार्केट है वो अभी ग्रो कर रहा है 24.1 बिलियन डॉलर तक 2025 के आंकड़े ये कहते हैं. और एक और मजेदार फैक्ट, देहात इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीटेक स्टार्टअप है तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का बिजनेस मॉडल ये रहा होगा, वो हम पूरी जानकारी देंगे और कैसे इन्होंने इस मार्केट को समझा और इसके अंदर घुसे टेक्नोलॉजी की मदद से जो कि एग्रीकल्चर में एक नया ही रेवोल्यूशन है. लेकिन इस पूरे रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा 2012 में जब ये लॉन्च हुआ, जब अमरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर, आदर्श श्रीवास्तव और शशांक कुमार की एंड टू एंड कट एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सोच निकली तब उनको ये नहीं पता था कि आगे जाके सफर बहुत मुश्किल होने वाला है और उसको फेस करने के लिए इन्होंने 2 स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जो हम आगे जानेंगे. और उसके साथ साथ हम इनकी मार्केटिंग भी समझ लेंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे आप मार्केट भी कर सकते हैं. तो आखिर ये स्टार्टअप काम कैसे करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है ऐसा जिसके लिए बिल्ड करने के लिए इनको 10 साल लग गए और अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की रेंज में आए हैं, प्रॉफिटेबल हुए नहीं है लेकिन इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जो डेटा बता रहे हैं तो इस साल वो क्रॉस कर दें. लेकिन इनका जो कोर आइडिया था देहात का वो था फार्मर्स के इश्यू को रिजोल्व करना और उसके इकोसिस्टम में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना जिसमें सर्विसेज की पूरी लॉन्ड्री लिस्ट रहती थी और उसको बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी क्योंकि इनके मॉडल के अंदर 3 अलग-अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, पहला तो फार्मर, दूसरा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और तीसरा इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और ये तीनों ही एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं. और ये बहुत ज्यादा नया मॉडल नहीं है क्योंकि हम देखते हैं स्टार्टअप्स तभी ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं जब वो वन डायमेंशनल ना हो, वो अपने फीचर्स को सिर्फ एक ऐप के लिए जारी ना करें, वो वन डायमेंशनल नहीं रखते, वो मल्टी ट्रैक्स को बिछा देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे फोन पे या पेटीएम था तो ये रिचार्ज या किसी को बैंक ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने इंश्योरेंस भी जोड़ दिया उसके अंदर और न जाने कितनी और चीजें जोड़ते चले गए, स्टॉक मार्केट तक चले गए. तो ऐसे मल्टी ट्रैक्स जो है एवोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, मैं टेक सेक्टर की यहाँ बात कर रहा हूँ. तो देहात क्या करता है, एक एडवाइजरी एक कंसल्टेंसी की तरह काम करता है जहाँ पर फार्मर्स को वो वेदर रिपोर्ट शेयर करते हैं, उनकी मिट्टी की क्या क्वालिटी है वो टेस्ट कर सकते हैं आप इनके प्लेटफॉर्म पे, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, कौन से फर्टिलाइजर आपको लेने चाहिए, पेस्टिसाइड्स कितनी मात्रा में होने चाहिए, फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, इंश्योरेंस कैसे होगा, मशीनरी कैसे आएगी, ये पूरी
पूरी चीजें इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ी कर दी। आपका फार्मिंग का सीजन एंड हो गया, लॉजिस्टिक भी लो, वेयर हाउसिंग भी लो, ये सारी चीजें जो भी एग्रीटेक में जीरो से लेकर 100 तक लग सकती है उन्होंने ये प्रोवाइड कर दी। तो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन गया सारे फार्मर्स के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे कहां से ग्रो करना चालू करें अपने क्रॉप्स को, कंसल्ट कीजिए, वो आपको डेमो देके चले जाएंगे और फिर उनके सेंटर्स पे जाके आप पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं और भी जितने भी फर्टिलाइजर, जितने भी मशीनरी की भी कॉस्ट होगी वो उसी सेंटर पे आपको जाके मिल जाएगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यार ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, फिर भी इसे 10 साल कैसे लग गए? यहीं पर ही इनका टेक रेवोल्यूशन आता है। इन्होंने डेटा का इस्तेमाल किया, 10 साल तक ये डेटा कलेक्ट करते गए और डेटा की पावर से अब इनको ये पता है कि कौन सी क्रॉप कब इतनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी जब मार्केट के जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और उस हिसाब से वो फार्मर्स को भी एक प्रॉफिटेबिलिटी का ऑप्शन दे देते हैं जिससे ना केवल वो प्रॉफिट अर्न भी करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इतना सारा डेटा अब इनके पास है जो 10 साल से सिर्फ यही कलेक्ट कर रहा है कि फार्मर्स की कैसे मदद की जाए। और AI और ML की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं इस समय। तो इनकी इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं फिजिटल मॉडल। फिजिटल मॉडल इन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो कोर प्रॉब्लम है फार्मर्स को समझाना भी है, उनको समझना भी जरूरी है, उसके लिए उन्होंने देहात सेंटर्स बनाए। अब उन देहात सेंटर्स में ना केवल फार्मर सीख सकते हैं बल्कि हर एक फार्मर की जरूरत के हिसाब से उसको क्रॉप ग्रोइंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता है हर फार्मर्स के हिसाब से। तो इतना एक्यूरेट डेटा अब इनके पास है कि जिससे ये और ज्यादा तेजी से प्रॉफिटेबल और फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीटेक स्टार्टअप्स में अब गिना जाता है। अब मैंने यहाँ पर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बात करी थी, तो वो इस मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट हो जाता है? एक तरफ फार्मर्स हैं जहाँ पर इनकी टीम जो है फार्मर्स को कंसल्ट करती है, उनकी क्रॉप को मैनेज करती है, और वहीं वो वेंडर्स आ जाते हैं जैसे हम देखते हैं चाय सुट्टा बार जो है और MBA चाय वाला है, वो फ्रेंचाइजीज निकालते हैं। तो ये भी अपनी फ्रेंचाइजी निकालते हैं जहाँ पर फार्मर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उस स्टोर के ऊपर। तो जिससे एक जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, एक दुकान खोलना चाहता है, वो भी उसको ऑप्शन मिल जाता है कि वो देहात के साथ जुड़ सकता है। और तीसरा हो जाती है हमारी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं फार्मर्स को कि वो अपनी क्रॉप जो है वो हमें डायरेक्टली सेल कर सकते हैं बल्क में। तो यहाँ पर तीनों कनेक्ट नेटवर्क हो जाते हैं और यही फिजिटल मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी का राज है इनकी, क्योंकि इनको पता है कि फार्मर्स जो है वो स्मार्टफोन भले ही यूज ना करते हो लेकिन कीपैड तो यूज करते होंगे, और उसके साथ साथ इन्होंने कॉल सेंटर्स तक अपने हाथ नहीं रोके, इन्होंने डिजिटल कॉलिंग सर्विसेज का ऑप्शन भी रखा। जैसे कि हम गैस बुक करते हैं तो आपको पता होगा वही स्टार दबाओ, एक दबाओ, चार दबाओ और सर्विसेज पाओ। तो यही इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी है, सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिससे इन्होंने 10 सालों में ही सारे इंडिया में फैला दिया। तो अब बात आती है कि मार्केटिंग कैसे करी इन्होंने। सबसे बड़ा सवाल यही आता है क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उनको उस हिसाब से करना पड़ता है। और इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो भी स्मार्टफोन ज्यादा यूज नहीं करती थी, तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन और एक बड़ा हर्डल था उनके सामने। भले उनके पास कितना भी डेटा हो, अगर उस डेटा की मदद से वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते एक्सपोजर में, तो उसका ग्राफ नीचे ही जाता है। तो उन्होंने पहला मार्केटिंग के अंदर अपना प्रोडक्ट को एवोल्यूट किया, यानी ट्रांसपेरेंसी भी एक तरीके की मार्केटिंग में आप गिन सकते हैं। अपने पूरे नेटवर्क को इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया कि लोग अपने आप ही बात करना चालू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस स्टिकी नेचर की होती है। एग्रीटेक में आपको ये ऐसे ही मिलेगा, एक बार उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो बड़ी मुश्किल से छोड़ेंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ वैल्यू उन्हें मिली है इस ऑफर से, वो दोबारा आएंगे। और ये इनकी मार्केटिंग का दूसरा पार्ट था। इन्होंने अपनी केटरिंग्स को डबल डाउन कर दिया, जितना ऑफर करते हैं उससे ज्यादा करो। तीसरी स्ट्रेटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया, वो था प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालिसिस। भैया बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, बंदा इनके सेंटर पे जाएगा, सेंटर पे कोई होगा नहीं, फोन करेगा तो कोई उठाएगा नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ना केवल इन्होंने ऐप भी बनाई बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कीपैड यूजर्स के लिए कॉल सर्विसेज भी जारी करी। और ये सब यहाँ ही नहीं रुकता, अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो ये फार्मर सेंट्रिक ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे इनकी ग्राफिकल मेमोरी भी बहुत हार्श रहती है, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि यार गांव का कल्चर कैसा होता है, उस कल्चर के हिसाब से ये अपने सोशल मीडिया को भी डिजाइन करते हैं। और आपको पता है देहात ना केवल एग्रीटेक स्टार्टअप है बल्कि एक एजुटेक स्टार्टअप भी है। अब अगर आप इनके यूट्यूब पेज पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इनकी चौथी सबसे बड़ी, शायद मार्केटिंग के अंदर में मैं गिन जाऊंगा इसको, हर एक डेटा पॉइंट को उन्होंने एक फार्मर के लिए कस्टमाइज करके रखा है कि उसका फार्म है, उसकी सॉइल है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी है, उसकी क्रॉप है और किस फ्रिक्वेंसी में वो क्रॉप करता है, उस हिसाब से वो डेटा डिजाइन करके देते हैं, उन्हें पूरा प्लान बना के देते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और इसलिए शायद इतने सारे फार्मर्स इनके साथ जुड़े हैं। और जल्द ही देहात जो है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एंड टू एंड ट्रैकिंग भी इम्प्लीमेंट करने वाला है, जिससे भरोसा है जिसके लिए फंडिंग उठा रहे हैं वो इनको यूनिकॉर्न बना ही देगा। और अगर बना
दिया है तब ये वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाकी लेट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा यंगेस्ट रिच इंडियन जो अभी अभी मेंबर बने उनके बारे में, और राइट साइड में ये हमारी एडटेक इंडस्ट्री कैसे फेल होती जा रही है, क्या इसका एंड आ गया। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।